हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने वाईफाई अडैप्टर का मैक एड्रेस चेंज कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो एंड तक देखना। लेट द ट्यूटोरियल बिगिन। तो हम आ चुके हैं हमारी पैरेट ओएस मशीन पर। यहाँ पे आके सबसे पहले हमको टर्मिनल ओपन करना है। टर्मिनल को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं पहले। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको रूट यूज़र में आ जाना। तो यहाँ पे sudo hyphen i डाल के हम रूट में आ चुके हैं। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे आने के बाद आपको सबसे पहले चेक करना है कि जो आपका वाईफाई अडैप्टर है वो कनेक्ट हुआ है कि नहीं। उसको चेक करने के लिए आपको iw config कमांड डाला। और जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, जो मेरा वाईफाई अडैप्टर है वो कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पे उसकी डिटेल्स आ रही है। अब हमारे वाईफाई अडैप्टर के मैक और अदर इन्फॉर्मेशन देखने के लिए आपको ये वाली कमांड डालनी है, if config। और हमारा जो इंटरफेस है उसका नाम, मेरा इंटरफेस का नाम है WLAN 0। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो इंटरफेस है उसका मैक एड्रेस ये है करंट वाला। अभी इसको हमको चेंज करने के लिए पहले तो आपको जो हमारा इंटरफेस है उसको शट डाउन करना पड़ेगा। उसके लिए आपको कमांड लिखनी है if config और इंटरफेस का नाम, और साइड में लिखना है आपको डाउन। इससे जो हमारा वाईफाई अडैप्टर है वो डाउन हो जाएगा। उसके बाद हमको यहाँ पे हमारे टूल का नाम लिखना है, जिसकी हेल्प से हम हमारा जो मैक एड्रेस है वो चेंज करने वाले। जो हमारा टूल का नाम है वो मैक चेंजर है। ये लिखने के बाद आपको स्पेस देके दो हाइफन देके हेल्प लिखना है। इससे जो उसका हेल्प मेन्यूल है वो ओपन हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे उसका हेल्प मेन्यूल ओपन हो गया। और जो हम कमांड यूज़ करने वाले हैं वो ये है, रैंडम हाइफन रैंडम। ये क्या करेगा, हमारा जो वाईफाई अडैप्टर है उसको रैंडमली कोई भी मैक एड्रेस दे देगा। चलिए अब देखते हैं कि इसको करें कैसे। तो सिंपली पहले तो आपको यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पे लिखना है मैक चेंजर, फिर हाइफन आर, फिर स्पेस देके अपने इंटरफेस का नाम WLAN 0। फिर जैसे आप एंटर हिट करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा करंट मैक एड्रेस था उसको एक न्यू मैक एड्रेस मिल गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो था मेरा करंट मैक एड्रेस था पहले वाला, जैसे कि मैंने ऊपर आपको दिखाया था, ये मेरा पहले वाला मैक एड्रेस। और यहाँ पे मैं आके आपको दिखा दूँ, ये जो हमारा परमानेंट मैक एड्रेस है ये कभी चेंज नहीं होने वाला, ये हमारा परमानेंट है। और ये जो है ये हमको न्यू अलॉट हुआ है मैक एड्रेस ये। चलिए अब हमारा जो वाईफाई अडैप्टर है उसको अप करके देखते हैं कि जो हमको न्यू मिला है मैक एड्रेस वो अलॉट हुआ है कि नहीं। चलिए तो आपको उसके लिए कमांड डालनी है यहाँ पे if config इंटरफेस का नाम अप लिखना है, और फिर if config और इंटरफेस का नाम लिख के आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमको न्यू मैक एड्रेस अलॉट हुआ है वो यहाँ पे दिख रहा है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। अब तक के लिए इतना ही। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम दिस वीडियो। गिव अस अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू टेक्नास फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। We'll be right back.